बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो हम राज करेंगे तो सब चाहिए ना उसमें, एक राजा बन गया रानी बन गई किसके ऊपर राज करेंगे, सारा परिवार राजधानी चाहिए ना। इसीलिए यहां परिवार ब्राह्मण परिवार बनता है और वो ही फिर जाके राज अधिकारी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हमको नशा है, कौन सा नशा है अभी, खुशी है हमारा राज आया कि आया है, बुद्धि में हमारा राज। दुनिया वाले तो समझते पता नहीं क्या होने वाला है, बेचारे फिक्र में रहते हैं क्या होगा, लेकिन हम सब के क्या होगा है क्वेश्चन। हमें निश्चय है कि हमारा राज आया कि आया, और राज अधिकारी अभी भी राज अधिकारी है, लेकिन अभी है स्वराज अधिकारी, और वहां बनेंगे राज अधिकारी, विश्व राज अधिकारी, जिसका स्वराज अधिकारीपन श्रेष्ठ है उस अनुसार श्रेष्ठ पद प्राप्त करते। तो नशा है माताएं, नशा है हमारा राजा आ गया अभी आया कि आया, भाइयों को भी नशा है ना, बहुत नशा बहुत खुशी। तो जिससे प्यार होता है वो जो चाहता है वो करने में बहुत सहज होता है। प्यार जो चाहे वो करा सकता है। तो बाबा हमें सदा संतुष्ट रहना देखने चाहते। तो पहली बात हम चेक करें तो हम तीनों के प्यारे हैं। कई बार क्या होता है बाबा के लिए तो सब कहेंगे हाँ बाबा के प्यारे तो है, लेकिन अपने पुरुषार्थ में क्या कहेंगे, चल तो रहे हैं कर तो रहे हैं बढ़ तो रहे हैं, तो कहेंगे। और दूसरी बात बाबा ने कही है कि जो संतुष्ट मणि होगा
वो सर्व प्राप्ति स्वरूप होगा, क्योंकि संतुष्टता होता ही है प्राप्तियों के आधार पर। मधुबन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा पाते, संसार तेरा पाते हैं प्राण प्यारे बाबा अव्यक्त थे।